इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से शॉपिंग कैंपेन जो है गूगल एड्स शॉपिंग कैंपेन जो है किस तरीके से क्रिएट की जाती है। लास्ट वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि किस तरीके से गूगल मर्चेंट सेंटर पे साइन अप होता है, अकाउंट किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं तो मर्चेंट सेंटर, फिर हम किस तरीके से फीड्स क्रिएट करते हैं और किस तरीके से जो है फीड्स को अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि गूगल मर्चेंट सेंटर में रहते हुए जब भी हम कैंपेन चला लेंगे उसके बाद हम किस तरीके से जो है रिव्यू कर रहे होंगे कौन सी प्रोडक्ट्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमने गूगल एड्स को गूगल मर्चेंट सेंटर से लिंक करना सीखा था। तो अब हम जो है मेन पार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम शॉपिंग कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट पर आएंगे, सिंपल न्यू कैंपेन, क्रिएट अ गाइडेंस विदाउट अ गोल गाइडेंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और फिर हम सिंपल शॉपिंग कैंपेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा मर्चेंट सेंटर जो हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है वो मर्चेंट सेंटर जो है यहाँ पर आ रहा है, उसकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन पर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम कैंपेन का नाम ऐड कर देंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। और उसके बाद हम एम्बेड स्ट्रेटजी मैनुअल सीपीसी रखेंगे। हम मैनुअल सीपीसी क्यों रख रहे हैं अभी फिलहाल और बाकी सीपीसी बाकी बेटिंग स्ट्रेटजी क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी जो है आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पुरानी वीडियोज में, तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारा डेली बजट लेट्स सपोज के 1000 रुपये। उसके बाद कैंपेन प्रायोरिटी आती है। कैंपेन प्रायोरिटी से मुराद ये है कि आप इस कैंपेन को क्या प्रायोरिटी देना चाहेंगे। लेट सपोज कि आपकी एक सर्च कैंपेन भी चल रही है और आप जो है शॉपिंग कैंपेन भी जो है वो चला रहे हैं, तो और दोनों में आप सेम प्रोडक्ट्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो आप किस कैंपेन को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो आप अगर आप इस कैंपेन को हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं सर्च की कैंपेन के ऊपर तो आप हाई प्रायोरिटी कर देंगे, अगर इस कैंपेन को लो प्रायोरिटी रखना चाहते हैं तो आप इसकी प्रायोरिटी लो कर देंगे। अभी फिलहाल हम इसको हाई प्रायोरिटी रख रहे हैं। तो अब होगा ये कि अगर किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपकी सर्च कैंपेन के भी ऐड लगे हुए हैं और इस उसी कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी शॉपिंग कैंपेन को भी अपेयर होना है, तो अब गूगल आपकी शॉपिंग कैंपेन को जो है प्रायोरिटी देगा, ठीक है। सर्च नेटवर्क में हम गूगल सर्च पार्टनर्स हटा देंगे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गूगल सर्च पर ही हमारे जो है वो रिजल्ट्स नजर आए, क्योंकि हमें गूगल सर्च पार्टनर्स की क्वालिटी का पता नहीं है। पाकिस्तान ही हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान पे चला रहे हैं, और टारगेट लोकेशन इस पर भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ई कॉमर्स के लिए जब भी एड्स चलाते हैं तो हम पीपल इन और रेगुलरली इन टारगेटेड लोकेशन जो है सेलेक्ट करते हैं ताकि उन्हीं लोगों को ऐड दिखे जो हमारी लोकेशन के अंदर जो है मौजूद है। स्टार्ट डेट एंड डेट एड ग्रुप, लेट सपोज हम इस पे लिख देते हैं बेबी, अपनी बेड हम ऐड करेंगे, लेट सपोज स्टार्टिंग बेड हमारी 2 रुपीज पी के आ रहे हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जब थोड़े दिनों के बाद जब हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो है वो बेटिंग सीपीसी जो है इसको हमें इंक्रीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें देखें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है टारगेटिंग के, ना गूगल सर्च एड की तरह इसमें बहुत ज़्यादा टारगेटिंग का ऑप्शंस है, ना इसमें जो है गूगल डिस्प्ले ना इसमें जो है गूगल डिस्प्ले की तरह जो है ज़्यादा टारगेटिंग के ऑप्शंस है। तो बहुत सिंपल सी कैंपेन है क्योंकि ये ऑटो बेस्ड कैंपेन है, गूगल खुद देखता है, आप गूगल जो है वो सर्च जो भी बंदा सर्च कर रहा होता है उसको आपकी प्रोडक्ट फीड से मैच कर रहा होता है, यानी प्रोडक्ट टाइटल से जो आपने प्रोडक्ट फीड में दिया हुआ होता है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से, वो उसकी बेस पर जो है वो रिजल्ट दिखा रहा होता है। सिंपली आप क्रिएट कैंपेन करेंगे और आपकी कैंपेन जो है वो एक्टिव हो गई है। इस तरीके से आप जो है गूगल शॉपिंग की कैंपेन को जो है वो क्रिएट करते हैं, और बहुत आसान सा प्रोसेस है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसमें जो है बहुत ज़्यादा किस्म की टारगेटिंग नहीं है। सिंपल आपने जो है पहले स्टेप में आपने अपनी प्रोडक्ट फीड बनानी है, दूसरे स्टेप में गूगल मर्चेंट सेंटर को जो है अपना सेटअप करना है,
तीसरे स्टेप में आपने अपनी प्रोडक्ट फीड को लिंक करना है गूगल मर्चेंट सेंटर से, चौथे स्टेप में आपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड से कनेक्ट करना है, और पांचवें स्टेप में आपने सिंपल सी अपनी कैंपेन को क्रिएट करना है। इस तरीके से जो है आप डिफरेंट कैंपेन जो हैं वो गूगल शॉपिंग की कैंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं। थैंक यू।